किश्तवाड़ से 30 किलोमीटर दूर सरथल नामक इलाके में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से पब्लिक दरबार रखा गया, जिसमें डीसी किश्तवाड़ अंग्रेज सिंह राणा के सहित बाकी डिपार्टमेंट्स के सभी वरिष्ठ अफसरान भी शामिल रहे। इसके अलावा ब्लॉक त्रिगाम और ब्लॉक द्रबशाला के लोग भी इस पब्लिक दरबार में शामिल रहे। लोगों ने खूब अपनी अपनी ग्रीवेंसेज डीसी किश्तवाड़ के सामने रखी। देखें हमारी खास रिपोर्ट। मैं डीसी साहब का बड़ा मशहूर हूं और मैं अपनी उम्र का जो तजुर्बा है, पहली दफा मौजूदा डीसी साहब ने इस किस्म का प्रोग्राम यहां बनाया, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं और हम अपनी ग्रीवेंसेस को, अपनी डिमांड्स को इनके सामने रखेंगे और पुरुमेद है कि ये ऑन स्पॉट एक्शन लेकर जो जनविन हमारे डिमांड्स हैं उनको आर्डर्स ऑन स्पॉट होगा। और उसका गांव है जहां बुर्ज पैदा होते हैं ना 8000 बुलंदी पे, वो जब मेरे कमरे में बैठा बाहर देखा, उसे ठाकराई साइड पर नजर मारी तो कहता है ये तो लाजवाब जगह जनाब, सेब पैदा हो सकता है यहाँ। मगर मैंने जो सेब देखे यहाँ वो वाइल्ड दिखे मेरे को, वो सेब सेब नहीं दिखे मेरे को, ना गोडी की उनको इन लोगों ने तो ना इनकी कटिंग प्रूनिंग की है ऊपर। ये बर्फ में किस तरह बच जाते हैं भाई, ये रब भरोसे है जी। आप कहाँ और हम कहाँ, आपकी नियत काम करने की, हमारे नियत काम करने के नहीं है, काम नहीं करते हैं काम। हम सुनो मेरी बात, सुनिए सुनिए, अवेयरनेस जो है, देखो हमारा जो है जिला जो है एस्ट्रायल डोडा की बात करूं मैं, इसमें बहुत पोटेंशियल हमारे को अखरोट का, सेब का, और सेब लाजवाब सेब जो है बनता है। इस दौरान कड़कती हुई धूप में दोनों ब्लॉक्स के लोग शामिल रहे। इसमें कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष भी पब्लिक दरबार में शामिल रहे और अपनी अपनी ग्रीवेंसेस डीसी किश्तवाड़ के सामने रखी और लोगों ने खूब खरी खोटी सुनाई। साथ ही साथ डीसी किश्तवाड़ ने सभी वरिष्ठ अफसरान को ये साफ कर दिया कि लोगों की ग्रीवेंसेस को अच्छे तरीके से ज़मीनी सतह पर देखा जाए और जल्द से जल्द इनकी ग्रीवेंसेस या फिर जो भी इनकी डिमांड्स रहेंगी उनको पूरे करने की कोशिश की जाए। इस बीच सबसे अहम मुद्दे एजुकेशन और पानी पे ज़्यादा रहे, जिसमें लोगों ने पीएचई विभाग को जमकर घेरा। वहीं डीसी किश्तवाड़ ने सभी अफसरों को ये साफ कर दिया कि जल्द से जल्द लोगों की डिमांड्स को पूरा किया जाए। मैं भी मैंने एक अर्ज की थी जनाब, यहाँ का अगर नाक है सरथल जो है वो सरथल देवी जी पर ही है। यहाँ हिड़ियाल में बिजली नहीं थी तो सरथल बिजली पहुंची थी, इसी माता मंदिर का देन है। तो आज इस स्वच्छ भारत के इस जमाने में सरथल देवी जी में जितने भी बाथरूम है इतनी गंदगी है, कोई कहने की बात नहीं। तो मैं जनाब से अर्ज करता हूँ कि अगर एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट सरथल मंदिर में लगाया जाए तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होती। मेरा एक बलिस्थान है, ये वीडियो कंसर्न जो आप देख लेना यार, ये इसी के साथ डिस्कस हुआ, जगह देख लो यहाँ कोई प्लांट लगाने की, सीवरेज प्लांट वीडियो आप नोट कर लेना, मंदिर के आस पास में नीचे ना कहीं स्टेट लैंड देखिए आप, वहां से नाली की धूल ले जाएंगे नीचे कहीं हम स्टेट लैंड। उसके साथ ये सर परसों मैंने दफ्तर में भी आपको मीटिंग में कहा था कि ये सरथल देवी जी मंदिर का जंगल है सारा, जो ये सामने दिखता है ये सारा सरथल देवी जी का है। तो हमने बहुत बार ये कहा कि अब रोड बन रही हैं तो जंगलात कंप्रोमाइज पीडब्ल्यूडी क्या करते हैं हमें पता नहीं है, ये सरथल देवी जी का जंगल है। जब तक नहीं इसकी डिमार्केशन हो, डिमार्केशन से हमें पता चले कि हमारा जंगल कहाँ है, जमींदार की जमीन कहाँ है, सड़क कहाँ से बनेगी, सर ये आपकी बड़ी मेहरबानी हो। फिर बसें आ रही है ना, मैंने कहा बाय द एंड ऑफ दिस मंथ बसेज आ रही हैं एसआरटीसी की, हम वो रोड्स पे लगा देंगे। नहीं सर, सिर्फ मेरे पास चार बसेज है, हमें बीडू के पास भी जाता हूँ जनाब, ऊपर से इसका ऑर्डर निकलेगा। जब प्लांट का ऑर्डर निकला तो ऊपर क्यों नहीं, जो भी नोट करो तमाम ऐसा आपने काम दिया हुआ था, अलॉट किया था काम, उनके अगेंस्ट पुलिस कार्रवाई करेगी कि ये कास्ट एस्केलेशन क्यों हो रही है।
कुछ तो हमारे कंप्लीट हो गए ना, वो भी तो आदमी थे जिन्होंने कंप्लीट किया, तो ये भी कुछ हमारे पास ऐसे आदमी जो कागज कंप्लीट नहीं कर रहे। मैंने उस वक्त सागर साहब मिनिस्टर हुआ करता था, उससे स्पेशल अप्रूवल ली थी कि भाई आपको ट्रस्ट जो है, यहाँ मना किया था ट्रस्ट लगाना, मैंने ट्रस्ट का ऑर्डर करवाया था, ट्रस्ट की जगह सॉरी ट्रस्ट की जगह मैंने लकड़ का ऑर्डर करवाया था कि आप लकड़ यूज करोगे। ये कहते मैंने गार में कौन घसीट के ले जाएगा स्टील को टॉप्स पे, हमारे को लकड़ है वहां, हम लकड़ के थ्रू बनेंगे, तो गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला था कि आप लकड़ यूज करोगे। मेरा नाम कौशल, अग्राल पंचायत से बिलोंग करता हूँ। गुड, तो मैं भी आगे इसलिए आया हूँ कि जितने भी आप रिप्रेजेंटेटिव्स आए उन्होंने कहा, जो उन्होंने कुछ बातें नहीं कही जो मेरे दिमाग में आई वो मैंने कहा कि मैं आगे आके आपको वो संज्ञान में लाता हूँ, आपके संज्ञान में। मैं अग्राल की बात करूं, अग्राल को पूरे सरथल की राजधानी माना जाता है। सरथल जहां जेड के बैंक है, इसमें सरथल अग्राल, अग्राल बस स्टैंड से आगे हमारा चश्मा आता है, चश्मा नहीं टीआरसी तक एक ड्रेन बनी हुई थी, ड्रेन रोड के साइड में ड्रेन बनी थी, पक्की ड्रेन थी, सीमेंटेड ड्रेन थी। एक बार बहुत सालों पहले फ्लड आया, मिट्टी भर गई, उसके बाद क्या किया कि लोगों ने ही ऊपर से जो थोड़ा सा ड्रेन बनाते हैं कुदाली वगैरह से, वो ड्रेन बनानी शुरू कर दी, लेकिन वो ड्रेन साफ नहीं हुई अभी तक। वो ड्रेन क्या है कि उसका पानी जितना भी है रोड में जाता है, रोड कीचड़, पहले यहाँ मैग्नेटाइजेशन नहीं है इस रोड की यहाँ पे, लेकिन कीचड़ इतना है कि लोग बच्चे, छोटे छोटे बच्चे वहीं उसी रास्ते से स्कूल आते हैं, वहीं मार्केट जाना होता है, वहीं से मंदिर जाना होता है, लेकिन कीचड़ इतनी है कि वो जितना भी ड्रेन का पानी जो ड्रेन में जाना था, जो प्रॉपर ड्रेन अभी जो बंद हो चुकी है। परसों सुपरवाइजर यहाँ आए थे, आरएनबी के जो सुपरवाइजर हैं क्या है वो यहाँ पे काम करवाते हैं, उन्होंने कहा है कि साइड में जितनी भी गंद पड़ी हुई थी उसको साफ किया, लेकिन ड्रेन जो थी, हमने बैक टू विलेज प्रोग्राम में उनको अपने मेमोरेंडम में ये कहा था, ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं उस ड्रेन की सफाई हो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। सर एक बात, वो ड्रेन बनी हुई है, काम किया कर लेंगे, और वो बाकी कलवर्ट्स भी है किलोमीटर 15 में है वो भी बंद कर दिया है, और किलोमीटर 16 में है वहां पर भी बंद है, कर लेंगे, सारा सड़क को जाता है और जमीनों में चले जाता है। गवर्नमेंट स्कीमें जो है वो रखती है थ्रू प्लान जो है हमारे जो है वो अप्रूव किए जाते हैं, और खास करके अब प्लान हमारे जो है ग्रामीण सतह जो पीआरआई जो है वो उनको अख्तियार हमने दे दिए कि आप इनको प्लान जो है आप बनाइए, आप सारा सब कुछ हर चीज आप करेंगे, आपके जितने भी अदारे हैं इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आप देखभाल करेंगे, लेकिन इनको किस तरह देखभाल करनी है उसमें थोड़ा आपको अपने आप को उस काबिल बनाना। तमाम ऑफिसर्स बैठे हुए हैं तो एक खुशगवार माहौल में आपको क्या कहते हैं अपनी चीजें रखनी चाहिए सामने हमारे, और हमारे से जवाब जो आपने सुनने चाहिए। कुछ ऐसी चीजें आप मेरे पास आते रहते हो अक्सर, बहुत सारे लोग आपके बीच में से मेरे पास आते हैं, मेरे नॉलेज में चीजें होती हैं, जब मैं कह रहा हूं आपको कि भाई हम इस पे कर रहे हैं, फिर आप टिप्पणी करते हो, आपकी सियासत होती है, आप सियासत करनी है तो कहीं और अखाड़े में करिए, आप कौन क्या कर रहा है, आपको किस तरह क्या है, वो चीजें यहाँ डिस्कस नहीं होनी चाहिए मेरे पास। आप कहते हो कि भाई फलां कोई साहब का एमएलए आया उसके साथ मीटिंग क्यों की, अरे भैया डीसी जो है हर प्रजा का, जितनी भी आवाम है उसका डीसी हूं मैं, हर किसी की बात सुननी है मेरे। कुछ ऐसी चीजें होती हैं गवर्नमेंट के पास टाइम बॉन्ड होती है कि भाई इस साल हमने इस क्या कहते हैं प्रोजेक्ट में इतना पैसा रखा, इसमें इतना पैसा रखा, इसमें इतना रखा पैसा, कुछ चीजें हम आपको बताया करते हैं, लेकिन आप फिर बिजी तो जाते हो, यहाँ कोई असेंबली का वो नहीं है, वो चलता है क्या अंदर, कोई एक ने बोला दूसरे ने बोला, क्या कहते हैं आप चाहते हो कि भाई वो सरपंच सिस्टम में हम वो असेंबली का यहाँ ले आएंगे, वो नहीं होता है, वैसे काम नहीं चलते हैं। आप प्यार से आप अपने मुद्दे सामने रखिए हमारे, हम कोशिश करेंगे, मैं तमाम अपने ऑफिसर जो है मेरे बहुत अच्छी टीम है, मैं कुछ किस्मत हूँ मेरे पास टीम अच्छी है जिले में, मैं जो कहता हूँ उनको ये करते हैं जो काम है। बाकी जो जितने भी आपने मुद्दे यहाँ रखे
जितना हो सका हमसे, हमने आपको ऑन स्पॉट डायरेक्शंस दी आगे मैंने लोगों को, जो जो मेरे ऑफिसर्स हैं, टाइम बाउंड बना के रखा। अगर कहीं इन्होंने आपका पानी की पाइप तबाह कर दी है, आपके खेत तबाह कर दिया, आपका घर जो है वो तबाह हो गया और आपको नहीं मिला है उसका मुआवजा नहीं मिला, पीछे गलतियां अगर की हैं लोगों ने, उसमें मैंने कह दिया भाई साहब FIR कर दो, FIR में हर चीज सामने आ जाएगी। क्यों नहीं किया आपने उस वक्त, क्यों नहीं किया? इस वक्त का तो अफसर कह रहा है बेचारा मेरे को कि नहीं साहब ये उस वक्त के अफसर ने किया, तो अफसर जो है रिटायर भी होना, उसको रिटायर हो गया, अगर गया है पेंशन लग रही तो उसकी पेंशन भी हम ले सकते हैं। एक सेट प्रोसीजर होता है काम करने का। सरपंच साहब जो है वो तीखे बोलते हैं, कुछ करते हैं, हम तीखापन भी वो क्या कहते हैं सुनते हैं, जो मीठा बोलता है उसको भी सुनते हैं, हम नहीं दिल में नहीं रखते हैं हम कि किसी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं कि बच्चे इस तरह ने इस तरह करना चाहिए। जो बड़े हैं आपके सामने, बड़ों ने भी बोला तो वो कहते हैं द क्या इंग्लिश में मामला है, व्हेन द ओल्डर कॉक क्रोज द यंगर वन लर्न्स, जब बड़ा मुर्गा बांग देता है तो छोटा मुर्गा कुकड़ू कुकड़ों की बात कोशिश करता, पहले वो थेथरा थेथरा बोलता फिर बाद में कुकड़ू कुकड़ों सही बोल देता है। तो शुक्रिया, इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे रुख्सत लेता हूँ, शुक्रिया।